दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी पहले ही दिल्ली की नई शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और 26 फरवरी को रविवार को सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं एक दूसरे मामले में सीबीआई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है कि वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और जांच शुरू करे। फीडबैक यूनिट मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को मंजूरी दी है कि वो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत यानी करप्शन के एंगल से फीडबैक यूनिट मामले की जांच करे। मामला ये है कि 2015-16 में आरोप यह है कि 2015-16 में जब नई आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में आई तो उन्होंने एक फीडबैक यूनिट बनाई और इसमें आरोप ये लगाया गया है कि ये जो फीडबैक यूनिट बनाई गई थी ये नियम और कायदों को ताक पर रखकर बनाई गई थी। ये एक तरह की समकक्ष खुफिया एजेंसी जो है ये दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बनाई थी और उपराज्यपाल का ये आरोप है। जब सीबीआई ने इस मामले में जांच करके और उपराज्यपाल के पास भेजा तो उपराज्यपाल का ये कहना था कि इस तरह की यूनिट बनाने का अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं था और ये बहुत ही गंभीर मामला है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। आरोप इसके अंदर ये लगाए गए हैं कि एक तो जब ये बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई तो जो कैबिनेट में जो नोट लाया गया उसकी किसी को जानकारी नहीं थी और केंद्र सरकार से इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया। जिन लोगों को पदों पर रखा गया वो पद ही नहीं थे और वो अप्रूव पद नहीं थे जिनके अगेंस्ट में लोगों को रख लिया गया। ये भी इसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ पैसा जो है इस नाम से जो है जारी किया गया लेकिन उसके जो बिल्स दिखाए गए हैं वो जो हैं कच्चे पक्के हैं। 1 करोड़ रुपए के सीक्रेट सर्विस फंड की का आरोप जो है इसमें लगाया गया है कि ये जो है केजरीवाल सरकार ने रखा था। और मुख्य आरोप जो है इसमें राजनीतिक एंगल से ये है कि इसमें आरोप ये लगाया गया है कि ये फीडबैक यूनिट राजनीतिक लोगों की भी जासूसी कर रही थी। और ये इसमें बताया गया है जो आरोप लगाया गया है वो ये है कि 40% मामले जो हैं वो राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए इस मामले के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इस मामले में जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ जांच के लिए 2016 में जब नजीब जंग दिल्ली के उपराज्यपाल हुआ करते थे तो उस समय में उन्होंने सीबीआई जांच के लिए ये मामला भेजा था और अब जाकर जो है सीबीआई ने इसमें यह कहा है कि मामला बनता है और इसमें केस दर्ज होना चाहिए। तो 2016 में जिस मामले की जांच जो है शुरू की गई थी 2023 में आकर जो है अब उसमें एफआईआर दर्ज करने की अनुमति केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिल गई है। ये मामला जब निकल के सामने आया था तब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ये कहा था कि बीजेपी वाले मेरे खिलाफ नया आरोप लाए हैं कि मैं 2015 से इनकी जासूसी करवा रहा हूं। इतने बड़े बड़े लोग जिनका अस्तित्व ही सीबीआई ईडी पेगासस से विपक्षी नेताओं के खिलाफ साजिश कराने पर टिका है, अगर इतने बड़े लोग भी मुझसे डर रहे हैं तो लगता है कि अपन भी मोदी के बराबर हो गए हैं यार। तो ये उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का पक्ष उस समय था जब ये मामला निकल के आया था और सीबीआई ने जांच की अनुमति मांगी थी और उपराज्यपाल ने मामला गृह मंत्रालय को भेज दिया था। तो अब जो अनुमति मांगी गई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय से उसमें मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब सीबीआई इस मामले के अंदर भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी और जांच करेगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।